वालेकुम अस्सलाम। क्या कुछ ले चुके अभी तक? तो मुझे कुछ भी नहीं नजर आया। अभी तो एंटर हुए हैं, अभी तो बिल्कुल आए हैं। लेट्स सी क्या करते हैं। अभी एंटर हुए और हमने पकड़ लिया, बहुत से सवाल आते हैं हमारे पास आपके लिए। क्या कुछ शॉपिंग करने आ रहे? आज पहले मैं देखूंगी ना, चेकआउट करूंगी, फिर अपने शौहर की जेब हल्की करूंगी। फिर शौहर की जेब हल्की करनी है, यानी के पूरा प्लान बनाकर यहाँ पर आई है कि भाई आज क्या क्या करना है। ये पूरा प्लान बनाकर आती है। बच्चे ज्यादा तंग करते हैं या बीवी ज्यादा तंग करते हैं, इनके हस्बैंड से पूछते हैं। ये सारे ही एक ही थाली के चटपटे, सभी तंग करते हैं बहुत ज्यादा। सभी बहुत ज्यादा तंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आपको लेकर कौन आया? लेकर मैं इनको आया था। आए हम लोग एक्चुअली खाना वाना खाने के लिए थे बाहर, लेकिन बस वहाँ से वॉक करते हुए इस तरफ आ गए हम लोग। तो बस फिर कुछ ये था कि कुछ पता चला था, कुछ यू नो समर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं अब आगे, तो कुछ सेल्स वगैरह भी हैं, कुछ आउटलेट्स पे भी कुछ चीज़ें हैं इस तरह की जो देखने वाली हैं, तो फिर हमने कहा चलो चक्कर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आगे भाई बच्चे भी यहाँ पर बहुत क्यूट, छोटे छोटे दो बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कुछ शॉपिंग करनी है? हाँ शॉपिंग। क्या कुछ शॉपिंग करनी है आपने? चलना कि मैं $1 के लिए आया हूँ। $1 है वो। $1 लवा। $1 बिल्कुल। अच्छा आपसे एक बात पूछेंगे वाइफ के हवाले से और इनसे भी पूछेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में पहले इनसे पूछ लेना चाहिए, ठीक है? ये पूछना चाहूँगी कौन सी ऐसी हैबिट है इनकी जो बहुत अच्छी लगती है? ये आदत है, बहुत अच्छी आदत है, लेकिन अगर ये वाली आदत ना होती तो अच्छा हो। ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है, जो कि बड़ी बेस्ट आदत है इनकी। बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत केयरिंग है। अच्छा शॉपिंग का शौक मुझे तो है ही है, लेकिन इनको ज़्यादा है कि मेरी बीवी हर चीज़ पहने, वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करे, तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी अच्छी है। हाँ गुस्सा थोड़ा ज़्यादा करते हैं, लेकिन थोड़े से टाइम का करते हैं, ये भी है। तो बस यही है। फरिश्ते मौजूद हैं आज यहाँ पर इस मॉल में, आज फरिश्ते मौजूद हैं, एक से बढ़ के एक फरिश्ता आज जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब यही क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेंगे। अच्छा इनकी मुझे एक्चुअली में सबसे अच्छी आदत ये लगती है कि ये मेरी हर बात के साथ जो है वो समझने की कोशिश करती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं हर चीज़ के साथ। और चूंकि हम फैमिली से बहुत दूर हैं, अकेले हैं, तो उनको इस चीज़ का आइडिया होता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनके साथ एक ये भी है कि एक तो अकेले भी हैं यहाँ पे हम, और बहुत सारी चीज़ें इससे बर्डनाइज भी होते हैं हम लोग, तो मतलब बहुत केयरिंग है ये भी और बहुत सपोर्टिव है, अच्छा लगता है। बहुत केयरिंग है, लेकिन इस महंगाई के दौर में केयरिंग होना कितना ज़रूरी है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, रोना रोया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त। आप क्या समझते हैं कि महंगाई है, एग्जिस्ट करती है यहाँ पर? महंगाई तो है, यस डेफिनेटली है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन वही बात है कि बेशक कितनी भी महंगाई हो, आप देख लेके दुनिया चल रही है, शॉपिंग हो रही है, लोग सारा कुछ कर ही रहे हैं, तो हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है महंगाई है, लेकिन हम अपने शौक तो नहीं छोड़ सकते, ये भी है। कहा जाता है कि खर्चों से नहीं भागना है, कमाई की तरफ भागना है, कि अपने खर्चे पूरे कैसे करने हैं, उसके लिए और कैसे जदोजहद की जाए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने आगे कैसे सर्वाइव करना उसके बारे में सोचा जाए, ना कि अपनी नीड्स को कम कर लिया जाए, वरना हम अपने बच्चों को अच्छा माहौल नहीं दे सकते, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते। हमारी नीड्स कैसी हैं उस हिसाब से हमें उतनी मेहनत और करनी है, ताकि हम देखिए तकलीफ में सिर्फ हम नहीं हैं, हमारे माशरे का हर शख्स इस तकलीफ में होगा। किसी भी चीज़ महंगाई हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उससे हर किसी को फेस करना है। तो जब हर किसी को फेस करना है, तो उसके हिसाब से उसको अपनी मेहनत भी करनी है, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अपने फ्रेंड सर्कल में देखें, कोई बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जैसे जो कि बहुत ज़्यादा आप समझे कि परेशान होते हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, प्रॉब्लम्स में, उनको सपोर्ट करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ जो है जैसे आपको लेके चल रहा है माशा, आपको उसमें एडजस्ट होना है। किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि समझने की कोशिश करें। इस टाइम जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हुकूमत को किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा, तो इसमें कितना हाथ प्राइम मिनिस्टर का है? देखिए महंगाई तो एग्जैक्टली अगर मैं ये कहूँ कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का हाथ है या नहीं है, ऐसी बात करना ही बेकार है, क्योंकि हम हर शख्स जो है वो खुद जिम्मेदार है अपनी चीज़ों का, अपनी मदद आपके तहत जब तक अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं डालेंगे कोई काम भी सही नहीं होगा। ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो कर रहे हैं माशरे में अपने फ़र्ज पूरे कर रहे हैं आप, क्या आप अपने टैक्स पूरे दे रहे हैं, क्या आपने उस चीज़ का बायकॉट किया जिससे हमारे लिए मसाइल थे माशरे के लिए। हम खुद मुलव्वस हैं हर चीज़ में, जब तक हम खुद सही तरीके से लेकर नहीं चलेंगे, तो क्या प्राइम मिनिस्टर हो चाहे दुनिया का कोई भी बंदा हो, हमें कोई ना एक्सेप्ट करेगा, ना हमें कोई हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी कर सकता है, ना हमारे मुल्क को चला सकता है। हमें सबको साथ देना होगा, चाहे ये हुकूमत हो चाहे कोई भी हो। देखिए अगर PMLL होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती है, तरीके इंसाफ होता है, व्हाटएवर कोई भी होता है, आपको गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना है, उनकी चीज़ों को फॉलो करना है। को बच्चे नहीं बैठे हुए ऊपर, हुक्मरान बैठे हैं। हुक्मरान का मतलब कुछ है हायर अथॉरिटीज, लाइक एक बड़ी एक दुनिया बैठी है जो कि निज़ाम चला रही है, और हम ही लाए हैं तो हमें फिर उनको सपोर्ट भी करना है। हम ही लेकर आए हैं तो हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। अच्छा आपसे एक सवाल पूछूंगी कि
अगर हम जमीन पर मौजूद हैं, हम चांद हमें कहाँ पे नजर आता? चांद कहाँ पर है? आप कौन सा चांद समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि नजर तुम्हें ही आना चाहिए उनको, और होना नहीं चाहिए, लेकिन बाबिल बता दे, अपनी राय भी बता दे। मेरे लिए तो मेरे चांद मेरे साथ हैं, तो बस मैं जहाँ हूँ साथ साथ ही मेरे चांद हैं। जवाब मिल गया, अगर ये यहाँ से खड़े होकर चांद को देंगे कि ये चांद वहाँ है, और वहाँ से खड़े होकर देखा जाएगा तो जमीन यहाँ है। सीरियस नोट पे अगर देखा जाए तो एक जो आपकी ख्वाहिश है, एक जो इंसान की एक आप समझ लें कि एक उसकी एक ऐसी ख्वाहिश है कि यार मुझे ये हासिल करना है कुछ, वो उसको चांद सही लगता है कि मैं इतना दूर है, मुझे वो हासिल करना है, उसके लिए उसको आगे बढ़ना है, तो चांद वो है जो उसकी आखिरी ख्वाहिश है, वो उसके लिए चांद। पहुंचना फिर आपके लिए टफ है या बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगाना है, तो फिर हम उसी को चांद कंसिडर कर लेते हैं अपने लिए। हमारे लिए चांद अच्छा लग रहा है, दूर से प्यारा लग रहा है, बस हमने अब एफर्ट करना है, पर चलो खैर चांद है। हाँ छोड़ो, चांद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू।